अबे यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तुम आग मूत रहे हो यार। चुप। कहाँ है साला की? है मुरारी, तू मेरा भाई है साले, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि तुझे एक दो तीन रख के मारूं कान के नीचे। दिल करता है, सो जा। क्या है कि मैं दिल की नहीं सुनता, सीधे कर देता हूं। क्या मुरारी, क्या कह रहा है? पाप से धरती फटी। अबे एक रात में आग बेच रहा है, दूसरा साला थप्पड़ मार रहा है, बताओ। एकदम पटाका लग रही हो आज, ऊपर से नीचे तक ठर्रे की बोतल। ये जो साड़ी और ब्लाउज के बीच जो गैप है ना जाने मन, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। देखो आज बस रोकना मत। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे कपड़ा बदलने का क्या जरूरत है भाई, अपने ही डिपार्टमेंट की। क्या यार, अपना समझा था तो अरे अरे मुगल सराय आ गया क्या? ये मजिस्ट्रेट, अबे खटिया पे सो रहा है कि चिता पे सो रहा है यार? आज कितने दिनों के बाद हमरा बचवा चैन से सो रहा है। हे भगवान, इस गांव में अब सुख और शांति दे देना, सुख और शांति दे देना। हम पे किसने लाल साड़ी डाला, मार डाला। ए भिखारी, कहाँ जा रहा है? ए, भिखारी नहीं हूँ मैं, लोहा सिंह हूँ। ए रुक जा। अरे लोहा सिंह हूँ मैं, साड़ी पे मत जा। अरे ये क्या, बताता हूँ फुर्सत में। अरे लोहा सिंह, अंदर जाना मना है। अरे भैया जरूरी काम है, मुझे जाने दे। अरे बड़े सरदार साहब की रियाज चल रही है। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? फिर वो पिल्ला गजराज हाथ से निकल गया। आदमी बड़ा तो सांप की तरह फैल जाओ, मिल जाए तो पहले माल हासिल करो, उसके बाद सबको गोली मार दो। सरदार सिंह, ये औरत कौन है? औरत नहीं, लोहा सिंह हूँ सरदार, लोहा सिंह। लोहा सिंह, तुमने लिंग परिवर्तन कब किया? लिंग परिवर्तन नहीं सरदार, कपड़ा परिवर्तन किया हूँ। कपड़ा परिवर्तन नहीं करता तो मेरा लिंग परिवर्तन हो जाता। इतने साल के बाद गांव में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। हमें इतना पीटा कि हमें धो डाला, और गांव वालों ने सारा वसूली का माल छीन लिया हमसे। इतना सब हो गया, बड़े सरदार कहाँ है? रिचार्ज क्या कर रहे हैं? रियाज कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पुलिस पसंद नहीं है सरदार। आप कुछ कीजिए सरदार, पुलिस कुछ कीजिए, नहीं तो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। केशव, माधव, अली, अजीत, लोहा कह रहा है गांव में पुलिस आई है हम पर नकेल डालने के लिए, पुलिस गांव वालों को हमसे बचाने के लिए। पुलिस अब से 15 साल पहले भी तो वहां पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ था, फूलों से सजाया गया था उसे, एक ही झटके में मैंने उसे आग का शोला बना। फर्ज के जोश और जुनून से जवानों को आग में जला दिया था। किंग कोबरा ने तब भी पुलिस नहीं थी, अब भी पुलिस नहीं देगा, नहीं रहने देगा।
क्या बात है, क्या कहने बड़ी भी। जीती रहो जीती रहो। बंद करो ये सब। ये कोई अमीनाबाई का कोठा नहीं, डाकुओं का अड्डा है। और तुम उमराव जान नहीं, डाकुओं के सरदार हो। बड़ी भी, मैं सरदार बाद में, पहले कलाकार हूं। कला का खजाना ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है। मेरी नस नस में कला का बारूद है। और ये सितार के सुर मेरी सांसें हैं। इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं इससे पहले कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ। चुकी नहीं, चुका हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपकी इन सब हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। हमें विरासत में हथियार मिले, घुंघरू नहीं। आज के बाद ये सब ज्ञान नहीं होगा। आज से ये नाच गाना नहीं होगा। ये किंग कोबरा का हुक्म है, सुन लिया सबने? अब तक तुमने बहुत बार बहुत कुछ किया है। तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे कलाकारों के लिए साज गुरु होते हैं, भगवान होता है। और हम अपने भगवान का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए सज्जन सिंह, हमेशा हमेशा के लिए ये अड्डा छोड़ के जा रही है। नहीं, जा रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो। पहले इसे अंदर रखो। माफी इस सास से मांगो। इससे? मुझे माफ कर दो। ठीक है। आफरीन बड़ी भी, आपका दिल कितना बड़ा है। काश इस संसार के सभी मर्द आपकी तरह हो जाएं। बावली हो गई क्या? अरे सारे मर्द मेरी तरह हो जाएंगे तो मेरे सपनों का शहजादा मुझे कैसे मिलेगा? जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। देख रहे हो, एक ही बार में हमारा दिल और नारियल दोनों तोड़ दिया। बुलाइए इनको जरा। बच्चा, ई कॉलर हमेशा ऊपर रखना, कभी भी नीचे नहीं करना। वेरी गुड जी। भगवान ने तुम लोगों को ई गांव का उद्धार करने के लिए भेजा है। गांव वालों, अब हम लोगों को किसी का भी डर नहीं, दुर्जन सिंह का भी डर नहीं। अरे हमारी रक्षा करने के लिए ई लोग जो आ गए है। अजय प्रकाश, IPS ऑफिसर रिपोर्टिंग सर, जिंदाबाद। ट्रेनिंग इन बैंगलोर, 1978 बैच। Now recruited in Madhavgarh। क्या हो? मेरे प्यारे दोस्तों, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हमारी सेनाएं सरहद पार कर चुकी हैं। हिंदुस्तान आजाद होके रहेगा। तालियां! बस बस। सर, अब आपने चौकी को संभाल लिया है, अब आप अपनी सेना को कुछ आदेश दें, जनता को कुछ संदेश दें। मैं? सर, हाँ, मैं मतलब है, यस सर। तुम लोग समझ रहे हो ना कि तुम क्या हो, कौन हो? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? सही जा रहे हो। मुझे पता है कि तुम समझ रहे हो। मुझे ये भी पता है कि तुम ये भी समझ रहे हो कि तुम्हें करना क्या है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, सब पता है। और वो क्या नाम, दुर्जन सिंह जो भी है, उसको बोल दो कि हम गांव में आए हैं गांव की रक्षा करने, और गांव की इज्जत हमारी इज्जत है। ये हमारे भगवान है। क्या बात है भाई, लौंडा तो लीडर हो गया। सुनो पुलिस वालों, कीटड़ की मौत आती है ना, तब वो जंगल की तरफ भागता है, और पुलिस वालों की मौत जब नजदीक आती है ना, वो लोग माधवगढ़ आते हैं। मैंने दुर्जन के कानों में ये बात डाल दी है। ए गांव वालों, तुम्हारी भी पुंगी बजने वाली है। क्या? आ गया तुम्हारा बाप। इतना खतरनाक लग रहा है साला कनखजला। पिक्चरों में बहुत डकैत देखा भाई, आज एकदम जिंदा डाकू देखने को मिल रहा है। सौभाग्य हमारा भाई। ठीक, माँ तो बचपन से चाह रही थी कि हम डाकू बने। माधवगढ़ की महान आत्माओं अब महान है,
अति बुद्धिमान है। आज दुर्जन खुद आया है आप सबको प्रणाम करने के लिए। इतने बरसों से मंदिर में पूजा करते हो, भगवान पर नारियल चढ़ाते हो, लेकिन भगवान ने आपकी नहीं सुनी। क्या ये मुट्ठी भर पुलिस वाले किन कोबरा से आपको बचा लेंगे? अब देखना तुम लोगों की कैसे पुंगी बचती है। पुंगी डरो नहीं, ये तोप है, इसे दुश्मन का खात्मा कर दो। नहीं नहीं नहीं, इससे मोर्चा संभालेंगे। अरे मोर्चा क्यों, अगर मर जाएगा तो इसी लकड़ी से तेरी चिता जलाऊंगा। मैं पांच तक गिनूंगा, वो पुलिस के पिल्लों को सामने लाओ। एक बात बताइए, साले तीन और पांच के आगे बढ़ते ही नहीं है, कम पढ़े लिखे होता का? देखने से तो वैसे ही लग रहे हैं भाई। एक काम करते, पीछे का रास्ता है वही से निकल जाते। अरे हम अगर इस तरीके से गांव से भाग जाएंगे तो गांव वाले मुसीबत में आ जाएंगे ना। तुम बहादुर हो ना? हाँ डार्लिंग, बहादुर हूँ पर बेवकूफ नहीं हो ना। हाथ से कैसे गोली मारूं? हथियार कहाँ है हमारे पास? अरे ये चल क्यों नहीं रही है? 20 साल पुरानी है। इस पगलते ने जंग लगी बंदूक दे दी यार। ये लो, दुश्मन का खात्मा कर दो। अबे इसके साथ ब्रश करूं कि शादी कर लूं? गोली कहाँ है इसमें? चलती कहाँ है? 20 साल पुरानी है ना, जंग लग गया है। बाहर आओ, पुलिस दिलो। अरे भाई सुनो, ये वही गांव है जहाँ पुलिस की बारात, मतलब पुलिस वाले आए हैं। आए हैं क्या? ये तो गजराज है। छोटे सरदार, साले जंक लगी बंदूक देख के वापस जा रहे हैं, असली होती तो क्या होता? ये तो साले मेरी पुंगी बज गई।